मत के साए से मैं कैसे बद घुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ था मैं तो कहां जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। नमाज पढ़ने से पत्ती नहीं आएगी, अगर चाय पीनी है तो जाकर पत्ती ला के दो। पत्ती कहाँ गई? पत्ती मैं खा गई, यही सुनना चाह रहे थे ना? माचिस की डिबिया जितनी पत्ती की पुड़िया होती है, महीना नहीं गुजरता उसमें। ठीक है भाई, नहीं है तो ना सही, चाय के कप के बगैर गुजारा हो सकता? तुम्हें खाली जेब चुभती नहीं है? बीवी बच्चे का कोई एहसास नहीं है? खुद तो जाके तुम दफ्तर में चाय पी लोगे, पीछे रह गई मैं और मनान, हम जाएं भाड़ में, है ना? ना तुम चाय पीती हो ना मनान, फिर किस बात का तमाशा है? मेरा मसला है, मैं गुजारा कर लूंगा। एक पत्ती नहीं है घर में, ना चीनी है ना आटा, पूरे का पूरा राशन खत्म हो गया है। तुम्हारे बाप को हमारी कोई फिक्र नहीं है। आप रो क्यों रही हैं? मैं तो हूं ही बदकिस्मत, सोचा था शादी होगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ महीना खत्म होता नहीं है लेकिन खाने पीने का सामान खत्म हो जाता है। पता नहीं कैसे कंजूस इंसान से मेरी शादी हुई। अम्मी मत रोई ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं खूब पैसे कमाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। जब तुम बड़े होगे तब तक तो तुम्हारी माँ के अरमान ही मर चुके होंगे। जाओ मेरा सर फटा जाओ, पान वाले की दुकान से मेरे लिए छालिया ले आओ। अम्मी अब्बू ने मना किए और अंकल की दुकान पे जाने के लिए, वहाँ तो अच्छे लोग नहीं है और मौलवी साहब भी मना करते हैं कि तंबाकू खाना बुरी बात है। मुझे मौलवी और अपने बाप की बातें मत सुना खाली सर, मुझे इन लोगों की बातें समझ में नहीं आती है। मैंने सुबह से छालियाँ नहीं खाई है, मेरा सर फटे जा रहा है दर्द से। जा मेरा बच्चा, शाबाश जा, जाके मेरे लिए छालियाँ लेके आ। लेकिन अम्मी, एक रख के दूंगी मैं तुम्हें, समझ नहीं आ रही है? बोला ना जा। आ गया नाश्ता, तैयार हो गए? शाबाश, आ जाओ आओ नाश्ता करे। हाँ बेटा, हाँ बेटा, शाबाश। ऐसे बैग इधर रख लो। चाय नहीं पियेंगे आज? ऑफिस जाके पी लेंगे। अब्बू हम इतने गरीब क्यों हैं? गरीब नहीं है बेटा, ना शुक्रापन। ना शुक्रापन? वो क्या होता है? मतलब जब इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों को ठुकराए और दूसरों की आसाइशों पर नजर रखे। मतलब? मतलब ये है कि जैसे अल्लाह ने हमें ये दो टोस्ट दिए और मेरे दोस्त को हलवा पूरी। मैंने कब से नहीं खाई। अरे तनख्वाह आएगी तो खिला देंगे पार्टनर, क्या मसला है? तो मैं ये कह रहा था कि इंसान को कभी भी दूसरे की प्लेट और जेब पर नजर नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह चाहता है कि हम उसके दिए हुए रिस्क को खाएं और शुक्र अदा करें, जैसे अभी मेरा बेटा करेगा। ये
क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लो दूध पियो। इसका मतलब अम्मी नाशुक्री है। दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो। स्कूल को देर हो रही है। अम्मा मैं तो शुक्र करती हूँ तुम आई हो, वरना इस घर में ना मैं पागल होके मर जाती। अच्छा अच्छा, परेशान नहीं हो, साकिब आता है तो मैं बात करती हूँ उससे। वैसे एक बात बताओ, इस घर में खाना वाना बनता भी है या नहीं? घर तुम्हारे सामने है, देख लो हालात। ये देखो, न पत्ती, न दाल, न चीनी, बस मुट्ठी भर रोज खाना आ जाता है बाहर से। ऐसे कुछ तो हुआ है इस घर में, वरना इतनी वीरानी मैंने किसी घर में नहीं देखी। इस घर को देख के तो लग रहा है जैसे इस घर में कोई औरत ही नहीं रहती। बिल्कुल सही समझी हो तुम। अरे अम्मा, मैं तो ऐसे लगता है जैसे मर गई हूँ, मैं तो जिंदा ही नहीं हूँ। मेरे अंदर की जिंदगी ना तब की मर चुकी है। तुमने अपने घर से डोली नहीं बल्कि डोला निकाला था। बस फर्क इतना है कि यहाँ आके दफनाया गया है मुझे। बस कर दो निशात, क्या हर वक्त एक ही रोना रोती रहती हो? अरे नानी अम्मा आ गई है, अब इनके हाथ के पराठे खाऊंगा। अम्मा, 18 ग्रेड का अफसर और कराची का कहके ना तुमने खूब मुझे बेवकूफ बनाया। क्या देखा था इस टीचर साकिब में जो इसे मेरी पकड़ के तुमने शादी करा दी है? मेरी एक दोस्त है, उसका मियां 18 ग्रेड से कम का अफसर है, फिर भी ये लंबी गाड़ी, खूबसूरत घर, सारी मेरी दोस्तें मेरा मजाक उड़ाती हैं। कहती हैं तुम्हारा मियां तो है ही बेवकूफ, उसको कोई समझ अकल है ही नहीं। जो उसकी नौकरी है ना, लोग कहते हैं ये नौकरी नहीं है, सोना है सोना। और मुझे देखो, मेरे नसीबों को देखो, ये 2 कमरों की झोंपड़ी मेरे नसीब में आई है। भाई क्या फर्क पड़ जाता आप मुझे बताओ, अगर ऊपर से वो कमाई करता, थोड़ा सा मैं भी खुले हाथों से खर्चती, मुझे भी मजा आता। अस्तग़फ़िरुल्लाह निशात, अस्तग़फ़िरुल्लाह। खुदा का शुक्र भेजो कि रिश्वत जैसी लानत से अभी तक महफूज हो तुम। वो बेटा, अच्छे घरों की बेटियां ना शौहर की तनख्वाह नहीं देखती, वो जिस हाल में भी रखे ना गुजारा करती हैं। बस कर दो, तुम ना अपने ये लेक्चर अपने पास रखा करो। भाई मान लिया कि तुम उस्तानी हो, ये पुराने जमाने के ख्यालात मेरे पे मत थोपो। आजकल के जमाने में उसे रिश्वत नहीं कहते, एक दूसरे का साथ देना कहते हैं। एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो, खत्म। रिश्वत कहाँ से आ गई? सारी दुनिया लेती है रिश्वत, अगर ये रिश्वत है तो। लेकिन मैं ये काम अम्मी के लिए कर रही हूँ, उनको बहुत सारे पैसे चाहिए जो अब्बू के पास नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी अम्मी खुश रहे। ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। बिट्टू, बच्चों को लेकर आ मेरे पास। आपने बुलाया? लेकिन अभी मेरे काम का टाइम है और अब्बू कहते हैं काम ईमानदारी से करना चाहिए। गाड़ी में आके बैठ। लेकिन बहुत ईमानदार है तू, गाड़ी में आके बैठ। बच्चा तो तू बहुत अच्छा है। अगर मैं कहूं कि यहां मेरी हुकूमत है, मतलब ये कि मेरा यहां नहीं पूरे इलाके में काम है। अब पूछ मतलब ये कि मैं तेरे बॉस का भी बॉस हूँ। अब 5 मिनट सुन मेरी बात। लेकिन सिर्फ 5 मिनट। ओहो ठीक है बाबा, ठीक है। दुनिया शराजी से टाइम लेती है और तू शराजी को शशके दिखा रहा है। आपको मुझसे क्या काम है? बताता हूँ। अच्छा ये बता, तू चॉकलेट खाएगा? आपको जो पूछना है वैसे ही पूछना। अच्छा, मैं तुझे कई दिनों से अब काम करते हुए देख रहा हूँ उस यूनिफॉर्म में। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम्हें स्कूल छोड़ के ये काम करना पड़ रहा है? मैं बता ना, किसी को नहीं बताऊंगा।
अब्बू नहीं जानते, मेरा मतलब अब्बू को नहीं पता मैं यहाँ काम करता हूँ। फिर अम्मी जानती है? अम्मी भी नहीं जानती, लेकिन मैं ये काम अम्मी के लिए कर रहा हूँ। उनको बहुत सारे पैसे चाहिए जो अब्बू के पास नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी अम्मी खुश रहे। चोरी कर ढाका डाल, मेरा पूरा कर दे। मैंने इसलिए तुझे पैदा नहीं किया कि बिठा कर खिलाऊं। मनन, इतने सारे पैसे कहाँ से हैं तुम्हारे पास? ये मेरे नहीं है। तो फिर तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? ये लो पैसे, घर जाओ, यहाँ सारा दिन काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं ये नहीं ले सकता, मेरा अब्बू ने मना किया। काश मेरा भी बाप होता। क्या मतलब? मतलब तुझे बाद में समझाऊंगा, चल ये रख पैसे। लेकिन अंकल। अरे चुप जा। बताओ मुझे कहाँ से आए? किसी के हैं, कल वापस कर दूंगा। सच सच बताओ मुझे, अगर सच ना बताया ना तो ये बात तुम्हारे अबू तक जाएगी। सच बताओ कहाँ से चुराए हैं ये पैसे? नहीं अम्मी, मैंने चोरी नहीं की, उन अंकल ने खुद दिए अपनी मर्जी से। कल वापस कर दूंगा। सच कह रहे हो? जी। तोहफा दिया है किसी ने, वापस थोड़ी करते हैं तोहफा, अच्छा थोड़ा लगता है। लेकिन अम्मी। लेकिन क्या? अपनी अब्बू को और नानी को इस बात का ना बताना। लेकिन अम्मी, अब्बू मना करते हैं, जो पैसे मेहनत के नहीं है वो हराम है, गलत है। अरे बेटा, तुम्हारे अब्बू को तो इस दुनिया में जीना आता ही नहीं है, बेवकूफ है वो। लेकिन मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, तुम्हें पैसा खूब कमाना आता है। सुनो, अगर वो अंकल दोबारा मिले ना, तुमसे कहना हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे घर में तो खाना है, हम उन अंकल से झूठ क्यों बोले? एक झपड़ दूंगी मैं तुम्हें, पटर पटर आगे से जवाब देते हो। कपड़े सी करो। ये खाना नानी के पैसों से नहीं आया, ये एक अंकल के पैसे थे। मैं एक जगह काम करता हूँ, वहाँ पे एक अंकल आए थे, ये उनके पैसे। ये दिल एहसास से भर दे मेरे माला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे माला। बिस्मिल्लाह। निशात, ये सब क्या है? जब खाने की टेबल पे इतनी सारी मेहनतें रखी हो ना, तो बंदा बातें नहीं करता, खाना खाए। हाँ, लेकिन ये सब लाया कौन, कहाँ से आया? भाई, अम्मी घर आई थी, हालात देखे तो थोड़ी परेशान हो गई और खाला रजिया की तरफ उठ के चल पड़ी। क्या तुमने पैसे मांगे उनसे? क्या तुम जानती हो वो रिटायर्ड खातून है, उनकी पेंशन में बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है, बहुत गलत किया तुमने। ये क्या हो गया साकिब? मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, अगर थोड़ा बहुत दे दिया तो कोई एहसान तो नहीं किया ना? खाना खाएं, खाना ठंडा हो रहा है। कहाँ जा रहे हो? भूख नहीं है। देखा, आप रोज मुझसे लड़ते हो ना, उसने खाना ही नहीं खाया। मैं लड़ रहा? अरे तुम एक बात का ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रही हो, कह रही हो मैं लड़ रहा हूँ। नानी के पैसों से नहीं आया, ये एक अंकल के पैसे थे। मैं एक जगह काम करता हूँ, वहाँ पे एक अंकल आए थे, ये उनके पैसे। मैंने बहुत मना किया, फिर भी उन्होंने दे दिए। मैं कल उनको वापस करने वाला था, मगर अम्मा ने रख लिए। जरा अंदर जाओ। ये सब क्या है निशात? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और मेरी उम्मीदें उनका क्या, जो तुमसे शादी करने के बाद पूरी ना हो सकी? एक भी दिन मैंने सुकून से नहीं गुजारा, कोई सुख नहीं दिया तुमने मुझे।
भीख है ये। हमारा बच्चा भीख मांग रहा है तुम्हारी वजह से, और तुम अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा मुझसे बहस कर रही हो। ये बहुत गलत कर रही हो तुम। क्या गलती मानूं मैं अपनी? ये गलत वो गलत, मेरी हर बात गलत और तुम्हारी हर बात ठीक। पैसा कब से गलत होने लग गया है? पैसा मेरी और तुम्हारी जरूरियात पूरी करता है साकेत। मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, उसे मैं पाल सकता हूं। वो बाहर कमाने चला गया और तुम्हें खबर तक नहीं हुई इन चंद पैसों के लिए? बहुत हो गया, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूं निशात। 10 साल हो गए हैं हमारी शादी को और तुम्हारी अकल की खिड़की खुली नहीं रही। नहीं समझना मुझे, मैंने तुम्हारे साथ इस घर में रहना ही नहीं है, कर चुकी हूं फैसला। अब मैं कल सुबह होते ही यहां से चली जाऊंगी। रहो अपने बच्चे के साथ। आज मैं अपने आप से मिलकर आया हूं वहां। वही चमकदार आंखें, वही अजम, अपनी मां के लिए कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी। और उसकी मां तुम्हारी तरह, वही लालच, वही हविस, उसका भी तुम्हारी तरह पेट नहीं भरता। इतना सा लड़का लेकिन जिगर 100 जवानों वाला। दिल खुश कर दिया श्रासी का। लेकिन अम्मा एक बात याद रखना, एक और शिराजी पैदा नहीं होने दूंगा मैं, नहीं होने दूंगा। कह गए, रोज अपनी ही कह के जाते, मेरी तो कभी सुनी नहीं। कसम पैदा करने वाले की, गलत चाहे मां कहे, गलत ही रहता है। पर अब शिराजी ने गलत सुनना छोड़ दिया है। मां कभी गलत नहीं होती, हालात गलत होते। मेरे भी हालात गलत थे। तुम क्या कहती थी मां? चोरी करो, डाका डालो, मगर मेरा पूरा करो। पूरा किया ना मैंने, पूरा किया। चोरी भी की, डाका भी डाला, जेल भी काटी, जान भी काटा, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशों की डोर नहीं काट सका। चलो मानो, मैंने माना कि मन्नान की मां मेरी तरह, लेकिन उसका बाप वो तो बहुत नेक आदमी है। बहुत अच्छा उठाया उसने बच्चे, नहीं लिए ना तुम्हारे पैसे? हाँ, ऐसा नहीं लिया, दिल ले लिया। तुम भी मना कर देते, क्यों आए मेरी बातों? क्योंकि तुम वो सब करना चाहते थे। दौलत आती तुम्हें भी अच्छी लगती थी मेरी तरह। सुना है काम छोड़ दिया तुमने? जी, अबू ने मना किया है। और ये रहे आपके पैसे, बाकी के पैसे अब तनख्वाह में लौटा देंगे। जितने पैसे दिए थे उतने ही वापस लूंगा तुझसे। इतने पैसे नहीं है अभी, तो जब आए तब दे देना। तब तक के इनका क्या करूं? इनका रख लो, मेरा मतलब है जब पैसे जमा हो जाए ना तो मुझे दे देना। एक बात पूछूं? हमारी माँ ने तो थप्पड़ नहीं मारा? नहीं। पूछा भी नहीं कि पैसे कहाँ से आए? नहीं। उस शख्स तुमसे क्या चाहता है, कुछ भी नहीं पूछा? नहीं। तो ये भी नहीं कहा कि तुमको उठा कर ले जाएगा? आप मुझे उठा कर लेके जाएंगे? नहीं बच्चा नहीं,
तेरा तो अचार भी नहीं डलेगा, तू मेरे किस काम का? तू है मेरे काम। किस काम का? ये तुझे मैं उस वक्त बताऊंगा जब तुझे ढेरों पैसों की जरूरत होगी। अब नहीं होगी, नानी अम्मी आ गई हैं, वो अम्मी को समझा देंगी। मिट्टी की मूरत समझाए नहीं समझती। बिट्टू जरा। जी बॉस। बेटा इस चेहरे को गौर से देख लो, ये अंकल रोज यहाँ आते हैं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो ना अंकल को बता देना मेरे पास ले आएंगे। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी? बच्चा यहाँ जो सायरन बज रहा है ना पी पा इस सुर्ख बत्ती जो जल रही है सब इसका कमाल है। जाओ बच्चा अब तुम जाओ। शाबाश जाओ। ओहो क्या हो गया है, क्यों इतने चीखे जा रहे हो, बहरी थोड़ी हूँ। क्या हाल कर दिया आंटी का है? इतनी लापरवाही, फिर पूरे जहान में रोना कि शौहर बुरा है, भटे हालों में रखता है। इसमें दूध डालो और ठीक करो इसे। ओहो क्या हो गया है, साले नहीं तो है, जल गया तो जल गया, इसको फेंक दो, बल्कि लाओ मुझे दो, मैं फेंकती हूँ। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि सालन फेंक दो, कौन करता है बेहुरमती रिस्क की? ना तुम्हें मेरी परवाह है, माना दिली लगाव नहीं होगा, तुम्हें पसंद की जिंदगी नहीं दे सका, लेकिन मनान उसका क्या कसूर है, वो तुम्हारी तवज्जो से क्यों महरूम है? बस कर दो तुम तुम्हारा बच्चा बाहर में जाओ, तुम दोनों बुरा हाल तो मेरा हो गया, हर वक्त किचन चूल्हा यही करती रहूं मैं। तुफ है उस दिन पे जिस दिन मेरा तुमसे निकाह हुआ था। तुफ है तुम पे और तुम्हारी जैसी औलाद पे, क्या हो गया तुम्हें? मैं अब इस घर में एक मिनट और नहीं रुकूंगी, रहे अपने इस पटीचर दामाद के साथ। इधर आओ, हटो आगे से। अच्छा लो बेटा ही मुझे तो देख के देख। अम्मी प्लीज मत जाए, प्लीज अम्मी रुक जाए। तुम्हें मेरे साथ जाना है ना, तो चलो चलो अभी मेरे साथ। ये दिल एहसास से भर दे ये दिल एहसास से भर दे मेरे माला। अच्छा मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुननी, इस घर में तुम्हारे साथ मैं नहीं रहने वाली, बस बात खत्म। अम्मू क्या अबू अबू लगा रखा है, चलना नहीं है मेरे साथ, चलो उठो। उसका हाथ दर्द हो रहा है उसे। ठीक है मरो दोनों। अम्मी प्लीज मत जाए, प्लीज अम्मी रुक जाए। तुम्हें मेरे साथ जाना है ना, तो चलो चलो अभी मेरे साथ। अम्मी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मत जाए अम्मी, हम साथ रहेंगे। साथ रहना है ना, अगर साथ रहना है तो अपने बाप से बोलो पैसे कमाए, वरना मैंने नहीं रहना इसके साथ। अम्मी मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको पैसे ला कर दूंगा। बेटा मुझे 500 या 1000 रुपए नहीं चाहिए, मुझे पूरे 500,000 रुपए चाहिए, समझे? अम्मी आप मत जाए ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको पैसे ला कर दूंगा। से दोनों भाड़ में जाओ, मरो। निशाद सुनो, निशाद रुको, रुक जाओ निशाद। मैंने इस औरत के होते हुए यहाँ नहीं रुकना। माँ है तुम्हारी, तुमने देखा नहीं है कितनी जोर से मेरे मुंह पे उसने चाटना मारा है। बात सुनो, तुम्हारा मिजाज ठिकाने लगाने के लिए थप्पड़ जरूरी था, और अगर ऐसे दोबारा हुआ ना तो फिर थप्पड़ मारूंगी। साकिब बेटा तुम मेरे फैसलाबाद का टिकट मंगा दो, मैं सुबह यहां से चली जाऊंगी। जाओ ना। सांच है ये लड़की। साकिब बेटा तुम बहुत अच्छे हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं थी, लेकिन शाबाश है तुम्हें कि तुमने मुझसे कभी इसकी कोई शिकायत नहीं की। बीवी है मेरी, मेरी जिम्मेदारी। मैंने सोचा था
मेरी मोहब्बत, मेरा दरगुजर उसके दिल में मेरे लिए जगह पैदा कर देगा और उस दिन दौलत माइनस हो जाएगी। आजमाइश है मेरी, एक दिन खत्म हो जाएगी वरना अजर आखिरत के लिए रख लिया जाएगा। बेटा, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कि तुमने इस नाशुक्री का घर बसाया हुआ है। अरे, आप मेरी माँ की जगह हैं, क्यों शर्मिंदा करती हैं? ऐसी बातें ना करें प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। चाल चलाया हूं मैं। हार जाओगे, जरूरत से हारना पड़ता है। जरूरत से नहीं, लालच से हारना पड़ता है। क्या गलत कह दिया निशात ने, अच्छी चीजों की ख्वाहिश करना उसका हक है। ख्वाहिश रखना जुर्म नहीं है, ख्वाहिश पूरी करने के लिए जुर्म करना गुनाह है और गुनाह इंसान को इंसानियत से गिराकर शैतान बना देता है। शैतान, और मैं अकेला शैतान काफी हूं। अभी तक मासूम हो तुम, समझे नहीं, एक माँ से हारना पड़ता है। हारना पड़ता है माँ से। इस बार हराकर दिखाऊंगा, हारना होगा तुमको, हारना होगा मां। अचानक कहां चला गया? स्कूल भी नहीं गया, यूनिफॉर्म वैसे का वैसा पड़ा है। अच्छा तुम बाहर जाकर देखो। हाँ, जल्दी जाओ तो। बाहर देखो जाकर। निशात, 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 उठो, जल्दी उठो। क्या हो गया मम्मा? सुबह सुबह मौत की फरिश्ते की तरह सर पे आके खड़ी था। अरे तुम्हारा बच्चा घर में नहीं है और तुम यहाँ लेटी बेखबर सो रही हो। घर में ही होगा। अरे मैं बता तो रही हूँ, नहीं है घर में वो। अरे अम्मा, स्कूल गया होगा ना? स्कूल नहीं गया है वो, और ना पूरे घर में है वो। साकिब गया उसे बाहर देखने के लिए। उठो जल्दी, जल्दी आओ। साकिब कुछ पता चला? अल्लाह, उसे कुछ हो ना गया हो, आजकल के जमाने में लोग बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं करते। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? और तुम क्या समझती हो मैं कम परेशान? पूरा मोहल्ला छान मारा है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। ये सब ना तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी जैसी माँ होने से बेहतर है माँ ना ही हो तो अच्छा है। अम्मा, आप इस वक्त मुझे बातें सुना रही हैं, मुझ पे रहम नहीं आ रहा आपको। मुझे मेरे बच्चे की जरूरत है, इस वक्त ये लोग तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरा मन्नान ला के दो। अच्छा तुम परेशान मत हो, आप संभाले ऐसे, मैं देखता हूँ। सब ठीक हो जाए। बेटा थोड़ा सा तो कुछ खा लो, दो दिन से तुमने कुछ नहीं खाया, इस तरह तो तुम मर जाओगी। मेरी जैसी माँ का मरना ही बेहतर। जाओ, अगर मैं मर ही जाऊंगी। साकिब आके। साकिब क्या हुआ बेटा, कोई अच्छी खबर लाए हो ना? पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने कहा है गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 दिन बाद लिखी जाएगी। 3 दिन बाद? 3 दिन तक चाहे कुछ भी हो जाए। ना ना करे, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। मैं देखता हूँ अम्मा, कोई बुरी खबर ना हो, डर लग रहा है। थैंक,
अल्लाह ने सब ठीक हो जाए। निशा, ये तुमसे बात करना चाहते हैं। ये कौन है? मैं नहीं जानती इन्हें। ठीक कहा आपने, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बखूबी जानता हूं। ये आपके लिए। भाई क्या है ये? आप खुद देख लें। साकिब देखो बेटा क्या है इसमें। इतने सारे पैसे? पूरे 10 लाख हैं। 10 लाख गिन लीजिए, फिर मैं चलूं। इतनी बड़ी रकम, लेकिन क्यों, किसने दिए? ये सब बताने की मुझे इजाजत नहीं। हाँ, ये आपके लिए। अब मैं चलता हूं। इसे कोई हाथ ना लगाइएगा, तो नहीं इसमें क्या लिखा है? क्या रहा? काम हो गया बॉस। चलो बैठो। एक तो लो है क्या इसमें? अस्सलामुअलैकुम, मैं यहाँ शिराजी अंकल के पास हूँ। उन्होंने मुझे अपने साथ रहने की जॉब ऑफर की है और इसके बदले में आपको 10 लाख रुपए देने का वादा किया है। प्यारी अम्मी, उम्मीद है कि अब आप खुश रहेंगी और पैसों के लिए अब्बू से झगड़ा नहीं करेंगी। आपका मन्नान। ये सब तुम्हारी नाजायज ख्वाहिशों की वजह से हुआ। बहुत दरगुजर करता रहा, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो तुम भी मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी, समझी तुम? मेरा दिल चाह रहा है, मेरा दिल चाह रहा है आज तुम्हें मुझे मारो। मैंने कभी इनकार बनाने का ख्याल नहीं रखा, मैंने कभी नहीं रोका। क्यों मुझे अपनी मनमानी करते रहने दी? क्यों क्यों नहीं रोका तुमने मुझे? अम्मा, मैंने हमेशा मनान को और इसे इग्नोर किया। मेरे लोगों की कभी एक भी नहीं सुनी। मेरी झूठी नाजायज ख्वाहिशों ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। मैंने अपना बच्चा बेच दिया। अल्लाह, मेरे ये देखो, मेरे हाथ तो बिल्कुल खाली रह गए। पता है, मैं जब टीवी देखती थी ना, मुझे लगता था मेरे पास भी बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मां देखना, मेरी मुट्ठी खाली है। मुझे रोना क्यों आ रहा है? शिराजी ने अपनी हद किसी को क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी है। और मां, तुम जीत गई हो तुम। ये दिल एहसास से भर दे मेरे माला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे माला। निशात, रुको, कहां जा रही हो? नहीं, आज मेरे और मन्नान के बीच में कोई भी नहीं आएगा, कम से कम ये पैसा तो नहीं। निशात, बात सुनो मेरी। मन्नान, हाँ? ठीक हूँ।
आपको। अम्मी ये शेराजी अंकल है, ये बहुत अच्छे हैं। हमने गेम खेले। गेम? एक, दो, तीन, स्टार्ट। क्या स्टार्ट? ड्रामा। ड्रामा? लेकिन यहाँ तो टीवी नहीं है। अरे नहीं बच्चा, टीवी वाला ड्रामा नहीं, असल ड्रामा। वो क्या होता है? तेरी माँ को पैसे मिले होंगे ना? मिले होंगे? खुश होगी? हाँ, अम्मी खुश होती है पैसे देखकर। बस शिराजी यही जानना चाहता है। इसके बाद गेम खत्म? खत्म? मैं जीतूंगा या हारूंगा? अब ये तो तेरी माँ के फैसले पर। क्या मतलब? मन्नान ने बता दिया था ना, हम गेम खेल रहे थे। अरे शक, किसके साथ गेम खेल रहे? वो भी एक माँ के साथ? मेरे बेटे को तुमने अपना बहरा बनाया? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो। एक मिनट, ये बात एक माँ और एक गुंडे के बीच में हो रही है। बताओ मुझे, बताओ क्यों किया तुमने? बस, शिराजी ने अपनी हद किसी को क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी है। बता, मां तुम जीत गई हो, जीत गई हो तुम। अन्ना तुम्हारे दोनों हाथ हमारे शानों पर नहीं होते, समझी? निकलो यहां से, अपने ये पैसे उठाओ और दौड़ो मेरे घर से, निकलो। ये सब कुछ क्यों किया आपने? इसको सबक देने के लिए कि दुनिया की हर दौलत औलाद की दौलत के आगे बेकार है, एकदम बेकार। और हम ये पैसे रख लेते तो? नोट नकली थे और तुम दोनों हार जाते, और खासकर ये बहसियत मां हार जाते। लेकिन आज आशे जीत गई है, मां जीत गई। मेरे गुनाह ज्यादा है तो या तेरी रहमत करीम, तू ही बता दे करके हिसाब मुझे। करम के सदते मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है, अर्जियां ये लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे माला, ये दिल एहसास से भर दे।